दोस्तों होली आने वाली है तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होली स्पेशल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रसीले और रस से भरे मालपुओं की रेसिपी, जिनको बनाना तो बेहद आसान है और इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। और ये मिठाई ऐसी है जिसको बनाकर आप 10 से 15 दिनों के लिए स्टोर कर भी रख सकती हैं। तो आप इनको होली से पहले बनाकर रख सकती हैं और होली के दिन इनका मजा ले सकती हैं। तो आप इनको बना सकती हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ घर में रखे हुए कुछ ही सामान से। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इन टेस्टी मालपुओं को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप सेट कर लिया है। तो मैं इस कप से सारी चीजों का मेजरमेंट करूंगी। आप कोई कप या घर में कोई कटोरी हो उसको आप सेट कर सकती हैं और उसी सारी मेजरिंग कर सकती हैं। इस तरीके से जब मेजरमेंट करके हम कोई चीज बनाते हैं ना तो हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल। सबसे पहले इस बाउल के अंदर हम डाल देंगे, ये मैंने ली है एक कप भरकर सूजी। यहाँ पर मैंने बारीक वाली यूज की है। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो मिक्सी के जार में डालकर उसको थोड़ा सा चला लें और उसके बाद उसका यूज करें। उसी कप से एक कप डाल देंगे मैदा। आप इसकी जगह पर गेहूं के आटे का भी यूज कर सकती हैं। मैं मैदे से बना रही हूँ, आप गेहूं के आटे से इनको बनाकर तैयार कर सकती हैं। एक कप भरकर डाल देंगे मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पर डेरी वाइटनर मिल्क पाउडर का यूज किया है। आपके पास जो भी हो उसको डाल सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पर मावे का भी यूज कर सकती हैं। और मावा भी ना हो तो एक कटोरी भरकर इसी कटोरी से जो आप सेट कर रही हैं उसी से आप मलाई का भी यूज कर सकती हैं। ताजी मलाई जो होती है ना घर में दूध पर आती है उसको आप डाल सकती हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट इन मालपुओं के अंदर आएगा। आधा कप मैंने ले लिया है नारियल का बुरादा, इसको डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी बोलते हैं, इजिली मार्केट में मिल जाता है। इसको डाल देंगे। ये डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, इसे डालने से इन मालपुओं का टेस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप लाइक ना करते हो तो इसको स्किप कर। स्पैचुला लेंगे और एक बार इन सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। उसी कप से हमें डालना है इसमें 2 कप दूध, तो सेम कप से ही हमें दूध का भी यूज करना है। तो एक कप हमने डाल लिया है, दूसरा कप आपको ध्यान रखना है, दूध यहाँ पर आपको हल्का गुनगुना यूज करना है, ना तो ज्यादा गर्म हो और ना ही आपको ठंडा दूध यूज करना है। तो इस तरीके से अब सभी चीजों को हम मिला देंगे। तो सभी चीजों को हमने मिला दिया है। अब क्योंकि हमने किया है सूजी का यूज तो हम इसको ढककर रख देंगे, क्योंकि सूजी फूलेगी तो इसको 15 मिनट के लिए हमें रेस्ट देना है। और जब तक ये रेस्ट पर है तब तक हम चलिए इसके लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई को गैस पर रख लेंगे और इसमें डालेंगे उसी कप से नापकर 2 कप भरकर चीनी। तो सेम कप से ही हमें सारी चीजें यूज करनी है। जितना हमने चीनी यूज किया है उतना ही हमें पानी डालना है। तो उसी कप से 2 कप भरकर डाल देंगे, पानी डाल देंगे, इसकी फ्लेम को मीडियम कर देंगे और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। 2 मिनट पकाने के बाद ये देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है। टाइम पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर, अगर आपको पसंद हो तो इसको जरूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल 1 पिंच के करीब इसमें हम डाल देंगे रेड फूड कलर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ज्यादा नहीं डालेंगे, बस हल्का सा ही डालेंगे। लेकिन अगर आप इसको नहीं डालना चाहती तो आप इसमें केसर का भी यूज कर सकती हैं। मेरे पास केसर नहीं है तो इसलिए मैं थोड़े से फूड कलर का यूज कर रही हूँ। बस हमें चाशनी को 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पर और पकाना है। हमें 1 तार या 2 तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हल्की सी चिपचिपी हमें चाशनी चाहिए। तो 2-3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर और पका लेंगे। तो 2-3 मिनट हमने चाशनी को और पका लिया है। अब हम इसको छूकर देखेंगे। तो जब हम इसको छूकर देखते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे कि हाथ पर तेल लग गया हो। हल्की चिपचिपी हमें चाशनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा गाढ़ी चाशनी को कर दिया तो जो मालपुए हैं वो चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और उनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बस हमें इसी तरीके की चाशनी चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे। तो बैटर को रखे हुए भी 15 मिनट हो चुकी है और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि जो सूजी थी उसने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसमें अभी हम 2 से 3 चम्मच दूध और डाल देंगे और थोड़ा सा फैट लेंगे। जितना अच्छे तरीके से आप इसको फैटेंगे उतना ही अच्छे हमारे मालपुए बनकर तैयार होंगे। जो बैटर है उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से फैट लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बस इस तरीके का हमें बैटर चाहिए। तो चलिए अब हम मालपुओं को बनाना शुरू करते हैं। मालपुओं को फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही घी को गर्म कर लिया था। घी या ऑयल जो भी आप इसके लिए यूज कर रही हैं, ज़्यादा यूज ना करें, बस 1 इंच हमें इसमें डालना है। और जिस बर्तन में आप इसको फ्राई करेंगे ना वो थोड़ा फ्लैट होना चाहिए, इसमें अच्छे से हमारे मालपुए फ्राई हो जाते हैं। तो घी को हमें मीडियम गर्म करना है। चेक करने के लिए हम थोड़ा सा बैटर इसमें डालकर देखेंगे। ये देखिए अच्छे से बबल बन रहे हैं, बस इतना ही हमें गर्म चाहिए। और 1 स्पून की सहायता से हम इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे इस तरीके से। एक बारी में जितने आए उतने डाल देंगे।
ध्यान रखना है कि हमें इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। अब हम स्पून से थोड़ा थोड़ा ऑयल या घी जो भी है इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। बहुत ही सावधानी के साथ इनको पलट देंगे, दोनों तरफ से इनको अच्छा गोल्डन कलर आने देंगे, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो दोनों तरफ से हमने इनको फ्राई कर लिया है, अब हम इनको इस तरीके से निकालेंगे और दूसरा स्पून लेकर इसको इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो ना वो नीचे निकल जाए। अब हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही चाशनी के अंदर डाल देंगे। ध्यान रहे जब मालपुओं को चाशनी के अंदर डालें तो चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए ताकि ये चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। और इस तरीके से हम इनको 10 मिनट तक चाशनी के अंदर डूबे रहने देंगे। आप इन मालपुओं को मोटा या पतला जैसा मन चाहे वैसा बना सकती हैं। यदि आपको मोटे मालपुए पसंद हो तो आप इसी तरीके से बैटर को रख सकती हैं, लेकिन अगर पतले चाहिए तो थोड़ा सा दूध मिलाकर बैटर को हल्का सा पतला कर लीजिए और उससे फिर मालपुओं को बनाइए। तो चलिए बाकी मालपुए भी ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये देखिए एक एक करके हमने सारे मालपुओं को बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा रसीले और रस से भरे हमारे ये मालपुए बनकर तैयार हुए हैं और आपने देखा कितने कम सामान के साथ हमने इनको बनाकर तैयार किया है और बनाने में भी बेहद आसान है। आप इनको बनाकर कम से कम 10 मिनट तक चाशनी में ऐसे ही डूबे रहने दीजिएगा, तभी ये अंदर तक रसीले बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो आप इनको बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और दोस्तों ये ऐसी है कि आप इसको एक बार बनाकर 10 से 15 दिनों के लिए स्टोर कर रख सकते हैं। तो आप इनको होली से पहले बनाकर रखिए और होली के दिन आप इनका मजा ले सकते हैं। घर में कोई मेहमान आए तो आप इनको बनाकर सर्व कर सकती हैं। यकीन मानिए उनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और बनाने में बेहद आसान है और इसमें सामान भी बहुत ही कम लगता है। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि जो हमारे मालपुए हैं वो एक ही साइज़ के बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं और इतने बैटर से लगभग 19 से 20 हमारे मालपुए बनकर तैयार हुए हैं और इनको बनाना बेहद आसान है। तो आप इनको बनाइए। तो मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।